नया तोशाखाना रेफरेंस, सुबानी बीडीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्तों पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आमिर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। गिरफ्तारी गैर कानूनी है, रिहा करने के अहकाम जारी किए जाएं, ये दरखास्त में इस्तदा की गई है और आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी हाईकोर्ट के अहकाम से मशरूत की जाए, ये भी दरखास्त दी गई है। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं, रिजवान क्या डिटेल्स हैं? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच जो है बबानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ जो है दरखास्त उस पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल ये डिवीजन बेंच इस बुशरा बीबी और बबानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे और दरख्वास्त में उन्होंने ये इस्तदा कर रखी है कि इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया जाए और अदालत आइंदा किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तारी से को जो है वो अदालत से मशरूत इजाजत से मशरूत अदालती इजाजत से मशरूत करने का हुक्म दे और इस दरख्वास्त पर आज समाअत की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान।